शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा असी हर साल ही पंजाब की अमन शांति के लिए शहीद हुए ने, चाहे वह बेअंत सिंह हो चाहे होर लोग होना हमेशा ही शिवसेना श्रद्धा करती आई है, नतमस्तक होती आई है। अज अभी इतने कट्ठे होकर उन्होंने श्रद्धा सुमन भेट किए हैं कि उन्हों की कुर्बानी में याद किया है कि उन्होंने कुर्बानी कारण ही अब अभी पंजाब के सह लै रहे हैं। तो पंजाब के आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरदार बेअंत सिंह का बहुत बड़ा रोल सीगा। अगर सरदार बेअंत सिंह ने उस वे सिखाई ना दी होती तो अब पंजाब का माहौल कुछ और ही होना सीगा। दूजा कि अब बेअंत सिंह जी श्रद्धा सुमन भेट करने के बाद सिख फॉर जस्टिस के कमिश्नर गुरबंत सिंह पन्नू का पुतला साड़े है, क्योंकि वह बंदा पंजाब की शांति में लागू लाने के लिए आए दिन काम कर रहा है। आप अभी हैरान हाँ कि वह बंदा लोगों को बेटे नवयुवकों पैसे दे के पोस्टर लवादा खालिस्तान के, खालिस्तान के झंडे लवादा, उस तो बाद वीडियो बनवादा तो आप ही वह वीडियो पोस्ट करता, वो सीधा सीधा पंजाब सरकार को चैलेंज कर रहा है कि पंजाब सरकार नागरिक सुती पई है कि उस बंदे के चैलेंज को स्वीकार कर रही है। वो वीडियो पाने तो बाद पता लगता है कि फलानी जगह के उपर उसने पोस्टर लाया, वो कदे प्राइम मिनिस्टर मोदी को धमकी दिता है, कदे साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी दिता है, कदे साडे डीजीपी पंजाब गौरव यादव को धमकी दिता है, क्योंकि इस टाइम वो बुखला चुका बुरी तरह, क्योंकि पंजाब सरकार ने पंजाब के डीजीपी साहब ने जो गैंगस्टरवाद का खात्मा किया है और उसको जड़ों पट्टन का जो प्रयास किया जा रहा है उसके विच बहुत वड्डी सफलता मिल रही है। ये गल सबनों पता कि खालिस्तानी और गैंगस्टर का आपस के पूरा गठजोड़ है जो पाकिस्तान के बैठा रहा है, तो होर जो आतंकवादी ने बधावा सिंह है, बब्बर है, रणजीत नीटा है, कहता परमजीत पंजवड़ है, ये लोगों ने इतने गैंगस्टर कहता पनाह दे रखी है, गैंगस्टर के थ्रू ये वारदाता करवा रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। इस अभी इतने गुरबंत पन्नू का पुतला साड़िया तो अभी पंजाब सरकार तो मंग करते हैं कि जिस तरह गैंगस्टर क्या विदेश को भारत लिया जा रहा है, उसी तरह पहल के आधार पर पंजाब की शांति में लागू लाने वाले गुरबंत पन्नू में भी पंजाब सरकार से पंजाब पुलिस तुरंत पंजाब लिया के उस जेल के सीते, क्योंकि उसके 20 पर्चे दर्ज हुए हैं पंजाब के। जब तक गुरबंत पन्नू कहता है पंजाब नहीं लिया जाता उदों तक एक नाटक चलता रहेगा कि किसी के झंडे नाम ना जा खालिस्तान के नारे लिखने खालिस्तान ही बन जाना, ये सिर्फ चंदे का धंधा कर रहा उत्थे बह के लोगों गुमराह कर रहा, इतने जवाकों की जिंदगियां खराब कर रहा है। उस पन्नू को मैं पहला भी चैलेंज किया, अज भी चैलेंज करके वह पुतला साड़िया। मैं पंजाब सरकार को कहना कि अगर उन्होंने नहीं लिया जा सकता तो पंजाब सरकार शिव सैनिकों को विजय दे, अभी उत्थे जाके ही इस सबक सिखा के आवेंगे, इहदा सुधा ला के आवेंगे। जय हिंद। चलो जेकर गल कर लिए तुसीं कह रहे हो कि अमन शांति खराब नहीं होनी चाहिए, पर इस तरह जेकर खालिस्तान मुर्दाबाद या पुतले फूकन नाल इस नाल भी तां भाईचारे च फर्क पैदा नहीं, खालिस्तान है कित्थे कहिंदा, इस नाल किवें फर्क पऊगा, कोई ना फर्क पऊगी कहिंदा, कोई भी सिख चाहुंदा कि खालिस्तान बने, जे सिख चाहुंदा अकाल तख्त दा सरबत्र प्रधानमंत्री कोल राष्ट्रपति कोल जावे मंग पत्र दे के आवे, किसी सिख की डिमांड नहीं है, ये तो जिहड़े कहिंदा जिन्हां दा चंदे दा धंधा चल रहा उन्हां लोकां दी डिमांड है कहिंदा खालिस्तान की, कहिंदा तुसीं मैनूं दसो दीवार ते लिखण नाल जा कहिंदा झंडे लाउण नाल खालिस्तान बन जूगा, एक प्रोपर सिस्टम है कहिंदा साडा कानून है, कहिंदा कानून के मुताबिक कहिंदा प्रधानमंत्री तो मंगण राष्ट्रपति तो मंगण, अज तक एक भी मंग पत्र इन्हां दित्ता होवे तां मैनूं दस दिण, ये तो उल्टा सानूं पंजाबियों नूं बदनाम कर रहे हैं। पूरा अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार की तरह पंजाब सरकार भी कामां पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद या खालिस्तान किसी भी पंजाबी नूं बर्दाश्त नहीं है। असी उस चीज़ के भुगत भोगी हाँ, जो 6 बजे इतने करफ्यू लग जाता सीगा, 6 बजे तो बाद कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कार नहीं चलती सी, वही माहौल दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस दे नाल जिहड़ा साडा पंजाब की युवा पीढ़ी उहदा भविष्य खराब होगा। इसलिए मैं एक बार फिर मन कर रहा कि मान साहब मुख्यमंत्री साहब गुरबंत पन्नू इतने लिया के जेल के डको, तो जोड़े वो इतने सैनिक एक्टिव ने उन्होंने नत्थ पाई जाए, उन्होंने भी जगह
वजी अजम सरदार जयंत सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा असी हर साल ही उपर कर यार पंजाब की अमन शांति के लिए शहीद हुए ने चाहे वह बेहद सिंह हो चाहे होर लोग होमेशा ही सेना श्रद्धा करती आई है नतमस्तक होती आई है अज अभी इतने कट्ठे हो के उन्होंने श्रद्धा सुमन भेट किए हैं कि उन्होंने कुर्बानी में याद किया कि उन्होंने कुर्बानी कारण ही अब अभी पंजाब के सह लै रहे हैं तो पंजाब के आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरदार बेहद सिंह का बहुत बड़ा रोल सीगा जैसे सरदार जयंत सिंह ने उस वे जो सिखाई ना दी होती अब पंजाब का माहौल कुछ और ही होना सीगा। दूजा कि अब जयंत सिंह जी श्रद्धा सुमन भेट करने के बाद सिख फॉर जस्टिस के कमिश्नर गुरबंत सिंह पन्नू का पुतला साड़े है क्योंकि वह बंदा पंजाब की शांति को लागू लाने के लिए आए दिन काम कर रहा है आप अभी हैरान हाँ कि वह बंदा लोगों को बेटे नवयुवकों पैसे दे के पोस्टर लगा खालिस्तान के झंडे लगा उस वीडियो बनवा तो आप ही वो वीडियो पोस्ट करता है वो सीधा सीधा पंजाब सरकार को चैलेंज कर रहा है कि पंजाब सरकार नागरिक सुती पई है कि उस बंदे के चैलेंज को स्वीकार कर रही है वो वीडियो पाने तो बाद पता लगता है कि फलानी जगह के उपर उसने पोस्टर लाया वो कदम प्राइम मिनिस्टर मोदी को धमकी दिता है कदे साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी दिता है कदे साडे डीजीपी पंजाब गौरव यादव को धमकी दिता है क्योंकि इस टाइम वो बुखला चुका बुरी तरह क्योंकि पंजाब सरकार ने पंजाब के डीजीपी साहब ने जो गैंगस्टरवाद का खात्मा किया है और उस जड़ों पट्टन का जो प्रयास किया जा रहा है उस बहुत वो सफलता मिल रही है ये गल सबन पता कि खालिस्तानी और गैंगस्टर का आपस के पूरा गठजोड़ है जो पाकिस्तान के बैठा रिंदा है तो होर जोड़े आतंकवादी ने बधावा सिंह है बब्बर है रणजीत नीटा है कहता परमजीत पंजवड़ है ये लोगों ने इतने गैंगस्टर कहता पनाह दे रखी है गैंगस्टर के थ्रू ये वारदाता करवा रहे हैं मर्डर करवा रहे हैं तो इस क्या कि अभी इतने गुरबंत पन्नू का पुतला साड़िया तो अभी पंजाब सरकार तो मंग करते हैं कि जिस तरह गैंगस्टर कहता विदेश को भारत लिया जा रहा है इसी तरह पहल के आधार पर पंजाब की शांति में लागू लाने वाले गुरबंत पन्नू ने भी पंजाब सरकार से पंजाब पुलिस तुरंत पंजाब लिया के उस जेल के सीते क्योंकि उसके 20 पर्चे दर्ज हुए हैं पंजाब के जब तक गुरबंत पन्नू कहता है पंजाब नहीं लिया जाता उदों तक एक नाटक चलता रहेगा कि किसी के झंडे नाम ना जा खालिस्तान के नारे लिखने खालिस्तान ही बन जाना यह सिर्फ चंदे का धंधा कर रहा उत्थे बह के ये लोगों को गुमराह कर रहा है इतने जवाकों की जिंदगियां खराब कर रहा है उस पन्नू को मैं पहला भी चैलेंज किया अज भी चैलेंज करके वह पुतला साड़िया मैं पंजाब सरकार को कहना कि अगर उन्होंने नहीं लिया जा सकता तो पंजाब सरकार शिव सैनिकों को विजय देवे अभी उत्थे जाके ही इस सबक सिखा के आवेंगे यदा सौदा ला के आवेंगे। जय हिंद। चलो जेकर गल कर लिए तुम कह रहे हो कि अमन शांति खराब नहीं होनी चाहिए पर इस तरह जेकर खालिस्तान मुर्दाबाद या पुतले फूकन इस भी तो भाईचारे फिक पैदा नहीं खालिस्तान है कितने कहता इस कि फर्क पेगा कोई मैं फिक पेगी कहता कोई भी सिख चाहता कि खालिस्तान बने जो सिख चाहता अकाल तख्त व्यक्ति प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को जाए मंग पत्र दे के आए किसी सिख की डिमांड नहीं है ये तो जोड़े कहता जिन्हों का चंदे का धंधा चल रहा उन्होंने लोगों की डिमांड है कहता खालिस्तान की कहता तुम मैं दसो दीवार से लिखने जा कहता झंडे लाने खालिस्तान बन जूगा एक प्रोपर सिस्टम है कहता साडा कानून है कहता कानून के मुताबिक कहता प्रधानमंत्री तो मंगन राष्ट्रपति तो मंगन अज तक एक भी मंग पत्र इन्हें दिता हो मैं दस दिन ये तो उल्टा सानू पंजाबियों को बदनाम कर रहे हैं पूरा अपना काम कर रही है केंद्र सरकार की तरह पंजाब सरकार भी पूरा सहयोग करना चाहिए क्योंकि आतंकवाद या खालिस्तान किसी भी पंजाबी नूं बर्दाश्त नहीं है असी उस चीज़ के भुगत भोगी हाँ जो 6 बजे इतने करफ्यू लग जाता सीगा 6 बजे तो बाद कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कार नहीं चलती सी वही माहौल द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है जिस दे नाल जिहड़ा साडा पंजाब की युवा पीढ़ी उहदा भविष्य खराब होगा इसलिए मैं एक बार फिर मन कर रहा कि मान साहब मुख्यमंत्री साहब गुरबंत पन्नू इतने लिया के जेल के डको तो जोड़े वे सैनिक एक्टिव ने उन्होंने नत्थ पाई जाए उन्होंने भी जहाँ